जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ है उस पे ये जो नया टैक्स का स्कीम है लागू नहीं होगा, वो इसके दायरे के बाहर है। तो जो लोग पीपीएफ में हैं उन लोगों को इस बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग नया स्कीम ला रहे हैं वो ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड और एनपीएस के लिए लागू होगा, और इसमें भी ये सिर्फ गोइंग फॉरवर्ड यानी कि भविष्य के लिए होगा। जो आपने पहले किया है उस पे कोई टैक्स नहीं लागू होगा, सिर्फ भविष्य में जो हो रहा है उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। मैं उस परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले मैं ये समझाऊंगा कि ये जो परिवर्तन जो हम लोगों ने लाया है वो किस उद्देश्य से हम लोगों ने ये परिवर्तन लाया है। हम लोगों ने कोशिश की है कि जो एनपीएस है और जो ईपीएफओ है वो एक ही तरीके से यानी कि बराबर उस पे जिस तरीके का टैक्स है वो लागू हो, और इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि भविष्य में क्या किया जाएगा कि आप जो पैसे एनपीएस में या प्रोविडेंट फंड में डालते हो वो वहां ऑन अ टैक्स एग्जाम बेसिस पहले आप उनमें डालते हैं यानी उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, फिर ऑन अ टैक्स एग्जाम बेसिस वो उस पर रिटर्न भी आपको मिलता है और वो रिटर्न मिलता चला जाता है। जब आप इस कॉर्पस को विड्रॉ करते हैं, जब आप उस कॉर्पस को निकालते हैं अपने प्रोविडेंट फंड से या आप एनपीएस से निकालते हैं, तब आप 40% आप टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। यानी अगर आपका उस समय 10 लाख का कॉर्पस है जो आपने आज से लेकर 20 साल तक भविष्य तक आपने उसको एक्यूमुलेट किया है, तो ये जब आप विड्रॉ करते हैं 10 लाख को तो उसमें से 4 लाख जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, बचे आपके 6 लाख। उस 6 लाख पे आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप एक एनुइटी खरीद सकते हैं। 6 लाख की अगर आपने एक एनुइटी एक पेंशन खरीदी तो जो उस एनुइटी की इनकम है उसको समझिए 60,000 साल के, वो 60,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एनुइटी नहीं खरीदते हैं और उस 10 लाख से आप 4 लाख विड्रॉ करके टैक्स नहीं देते हैं और 6 लाख भी आप विड्रॉ कर लेते हैं और 6 लाख को आप एनुइटी में नहीं डालते हैं, तब आपको उस 6 लाख पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको अगर इतना बड़ा एक टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, आप बिना टैक्स दिए हुए वो पैसे प्रोविडेंट फंड या एनपीएस में डाल रहे हैं और तब बिना टैक्स दिए हुए वो बढ़ते चले जा रहे हैं वो पैसे, तो इसलिए दे रहे हैं जिसमें कि आपको रिटायरमेंट में इनकम मिले। अगर वो आप रिटायरमेंट इनकम के लिए उसको प्रयोग नहीं करते हैं तो जी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है कि जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव लाया फाइनेंस बिल में तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों को आवेदन आए कि इसमें आप कुछ परिवर्तन करिए। हम लोग इन बातों के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग आगे तय करेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए, परंतु आज के समय जो मैंने समझाया है आपको वो इस तरीके से उस पर टैक्स लागू होगा। अंतिम और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर आज आप प्रोविडेंट फंड में देखें तो प्रोविडेंट फंड में आज के समय करीब 3.7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 3.7 करोड़ सब्सक्राइबर, इनमें से 3 करोड़ सब्सक्राइबर 15,000 से कम कमाते हैं हर महीने। अगर वो 15,000 से कम कमाते हैं तो उनको टैक्स किसी भी हालत में नहीं भरना पड़ेगा जब वो अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया उस 10 लाख की जो हमने बात की, जो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया, वो सिर्फ उन लोगों के लिए, उन करीब 70 लाख लोगों के लिए है जिनकी आमदनी 15,000 से हर महीने ज्यादा है। उन लोगों को एनुइटी में पैसा डालना होगा, अगर एनुइटी में नहीं डालते हैं तब उन लोगों को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा।